आज हम बात करने जा रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट शफीक रंगरेज से। शफीक वैसे तो बनारस के रहने वाले हैं, लेकिन अब वे पिछले 12 सालों से मुंबई में रह रहे हैं। इन्होंने अब तक 70 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और आने वाले कुछ ही दिनों में इनकी नई फिल्म रिलीज होने वाली है। नमस्ते दोस्तों, INN24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के अंधेरी के वेव स्टूडियो में और मेरे साथ एक बहुत ही अच्छे शख्स, अच्छे इंसान और बॉलीवुड में अपनी अलग ही पहचान बनाई हुए है, जिनका नाम है शफीक रंगरेज, जिन्होंने बॉलीवुड की कई मूवीज में काम किया है और स्टैंड अप कॉमेडियन है, कई स्टेज परफॉर्मेंस किए हैं। आइए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। शफीक जी, INN में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं शफीक रंगरेज हूँ। दुनिया की हर आवाज निकालता हूँ मैं। कॉमेडी कलाकार हूँ, रहने वाला मैं बनारस यूपी से हूँ। एक्टिंग का कीड़ा काट लिए बम्बई आ गए। हम यकीन मानिए अपने गले से दुनिया की हर आवाज निकालते, जैसे घोड़ा चलता है तो चारों पैरों की आवाज कैसी होती है, लगाम खींचते घोड़ा चिल्लाता है ना ऐसे। है ना, मेरे बनारस में गंगा जी, वहां पे स्टीमर चलती है जिसे पानी वाली बोट कहते हैं। स्टीमर चल रही है, तेल खत्म होने पर स्टीमर रुकती कैसे, आवाज कैसे बदलती है, ये स्टीमर की आवाज। और बहुत सारी चीजें जैसे फिल्मी एक्टरों की आवाजें। अरे हमें मालूम है बाबूजी, बहुत अच्छी बात है, INN न्यूज चैनल पे हम आपको दिखाई दे रहे हैं। अरे हम क्या मंदिर के घंटा है, साला कोई भी आता है बजा के चला जाता है, आओ हमें मारो। हाँ हाँ हाँ, और बहुत सारी चीजें जी। शफीक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मुंबई में जब भी बहुत सारे लोग अपनी किस्मत आजमाने आते हैं, बॉलीवुड में एंट्री लेते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रगल उसमें छुपी हुई रहती है। आपका सफर कैसे रहा बॉलीवुड में? एक जुनून था मेरे अंदर इस फिल्म लाइन में आने के लिए। मैंने अपने घर के मतलब बहुत तकलीफ से यहाँ पे पहुंचा। मैं अपनी वाइफ के सारे जेवर बेचे तब बॉम्बे आया। 2 साल तक पूरी मुंबई में मैं काम तलाश करता रहा, वड़ा पाव खा के मैंने मार्केट बनाई। आज के वक्त में अल्लाह पाक इतने रहम करम है कि आज मुंबई में जब भी किसी के पास कोई भी प्रोग्राम आता है तो सबसे पहले मेरे पास प्रोग्राम मतलब फोन आता है कि शफीक भाई फला तारीख को खाली हो। मैं स्टेज शो रोज करता हूँ, समझ लो। हर तरह की आवाजें, फिल्मी एक्टर की, जानवरों की, घुंघरू, हेलीकॉप्टर, स्टीमर, सारी चीजें। अगर कोई लड़की घुंघरू पहन के सीढ़ी पर से उतरे तो घुंघरू कैसे बचते हैं, टूट के बिखरते कैसे। आउटस्टैंडिंग आवाज है शफीक भाई, एक उम्दा कलाकार है फिल्म इंडस्ट्री के, इतने बेहतरीन कलाकार है कि आप ये अगर आवाज दे तो कुत्ता भी पास में आ जाता है, ये आवाज दे तो कौवा भी पास में आ जाता है, ये आवाज दे तो मोर भी पास में आ जाता है। इतने उम्दा कलाकार है और बॉलीवुड में एक अपनी अलग ही पहचान बनाई हुई है। शफीक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी अपकमिंग फिल्में कौन सी है, और आप अगर सपोज आपको फिल्म इंडस्ट्री में किसी बड़े एक्टर के साथ काम करने का मौका मिले तो आप किसके साथ में काम करना चाहोगे? मेरी जिंदगी तमन्ना है जॉनी लीवर साहब के साथ काम करने की, मेरे आदर्श जॉनी लीवर साहब। उसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, इरफान भाई, इरफान खान। क्या बात है भैया, अबे लग रहा है तुम लोग मानते नहीं मेरी बात, मानो या ना मानो 10 रुपए में वोडाफोन की रिचार्ज है, बहुत अच्छा चल रहा है अबे क्या कर रहे हो। और ये भी है, और यार क्या बात है रे बाबा, इतने अच्छे लग रहे, इतने अच्छे लग रहे, न्यूज चैनल पे लोगों में देख रहे बाबा, A9 24 बड़ा अच्छा चैनल है, पहचान रहा होगा। किसकी आवाज है ये, किसके? जानी रिवर की। ओ यार सच्ची बड़ी अच्छी बात है, ओ यार सच्ची बड़ी अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान को हंसा के मुझे बहुत सुकून मिलेगा, इसके लिए चाहे जिसकी आवाज निकालनी हो, मैं हंसाने के लिए लोगों को कुत्ता भी बन जाता हूँ। है ना जी। शफीक जी, आपसे बात करके बहुत ही हमको बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहता हूं कि आपको एक बहुत अच्छा स्टेज मिले बॉलीवुड में, आप बहुत तरक्की करो, हमारे दर्शकों को आप
हमारे जो INN24 के दर्शक हैं उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे? हम तो यही मैसेज देंगे कि आप लोग हमेशा हंसते रहें और हंसाते रहें, लोगों को खुशियां बांटने में बहुत सुकून मिलता है ना। हमारी कई फिल्में रिलीज होने वाली है, एक 6 अक्टूबर को आने वाली इश्क कमंजन, उसके बाद नवंबर में आ रही है मेरी एक बहुत ही बेहतरीन कॉमेडी फिल्म है लव ट्रेनिंग पिक्चर का नाम है, और भी बहुत सारी फिल्में बनके तैयार हैं, कुछ दिन में आएगी। ऐसे ही हंसते रहिए, हंसाते रहिए, अगल बगल में सफाई रखें। थैंक यू। तो ये थे शफीक रंगरेज, जो कि बहुत ही उम्दा कलाकार है। कहा जाता है कि किस्मत महलों में राज करती है और हुनर सड़कों पे तमाशा करता है। हमारी इंडस्ट्री भी कुछ इसी तरीके से है कि हमारे हुनर को पहचाने, उन्हें एक अच्छा स्टेज दे, अच्छी उनकी जो काबिलियत है उसको जगह दे, उसको एक मंच दे, उसको एक पावर दे जो उसके लिए वो डिजर्व करता है। तो ये इसी आशा और उम्मीद के साथ में मैं अपनी बात शफीक रंगरेज जी के साथ खत्म करता हूँ। कैमरामैन सुमित राजौरिया के साथ मैं अरशद अली, INN24 इंटरनेशनल न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्ते।